देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि जन सामान्य में एक विश्वास पैदा हो और जो आप लोगों के माध्यम से जो तथ्य हमारे सामने लाए जाते हैं उनका हम लोग संज्ञान लेकर अगर कोई समस्या आपने इंगित किया है तो उसका निराकरण करते हैं। और जो हम लोग कर रहे हैं व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं से जनता को रूबरू कराएं आपके माध्यम से, ये उद्देश्य था इसका। सर, नाम क्या स्थिति है? देखिए, जैसा आपको पहले भी हमने बताया है कि हमारे जनपद में कुल 5 केस कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 5 के बाद कोई भी नया केस नहीं आया है। यद्यपि 5 केस जो हमारे आए थे उस समय हमने केवल 16 लोगों का टेस्ट कराया था, उसमें से 5 लोग आए थे। आज की डेट में जनपद में हम 215 लोगों का प्लस 11 लोगों का आज, तो 215 लोगों का सैंपल हम अब तक टेस्ट करा चुके हैं, जिसमें से 197 का रिपोर्ट हमारे पास आ गया है जो निगेटिव है। तो जितने भी सस्पेक्टेड हो सकते हैं उन सब की जाँच हम करा रहे हैं। और हमारे यहाँ अब पिछले करीब 10 दिनों से केवल और केवल 5 ही केस हैं, कोई नया केस हमारे जनपद में अभी तक नहीं है। सर, जौनपुर से जुड़ा सर मामला आपने बताया, सर क्या पूरा मामला? जौनपुर से जो लोग वहाँ पे शेल्टर होम में क्वारंटाइन रखे गए थे 14 दिनों के लिए, उसमें से किसी एक व्यक्ति की तबीयत तो कुछ इस तरह से थी जिसके बारे में उन लोगों ने उनकी जाँच कराई और एक व्यक्ति उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एहतियातन हमारे जनपद में जो वहाँ से 2 लोग आए थे, हमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई उन दोनों को हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर लिया है। उनका सैंपल हमने लेकर के वाराणसी भेज दिया है और उनके सैंपल टेस्ट के बाद जो भी परिणाम आता है अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आपने अभी बताया एक व्यक्ति पर FIR भी किया गया है, वो क्या मामला है? हमारे जनपद में छावनी एरिया में एक ठेकेदार थे, उनके यहाँ 20-22 नेपाली लोग कार्य कर रहे थे। उन्होंने परसों रात में अचानक उनको अपने यहाँ से जाने के लिए कहा और वो लोग निकल करके इस जनपद से जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर उन सबको पुनः वापस लाया गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई और जो ठेकेदार था उसके खिलाफ उन लोगों ने FIR दर्ज करके अगले तक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। तो मौजूदा ब्लॉक में कई गाँव से शिकायत आ रही है, जो राशन का वितरण हो रहा है उसमें तो दुकानदार है तो ग्राहकों को कम राशन दे रहे हैं, एक दो में कितनी चार गाँव का मामला है, इसको लेकर सर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी मैं स्वयं जनपद के दूरस्थ क्षेत्र में भ्रमण पे गया था आज ही। हमने रास्ते में 2-3 कोटे की दुकानों की जांच भी की है और मैंने ये देखा है कि वहाँ पे 5 किलोग्राम चावल जो निःशुल्क प्रतिदिन दिया जा रहा था, कोई ऐसी शिकायत तो नहीं मिली है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो कृपया मुझे वो शिकायत दे दें, उस पर हम जांच करा के तत्काल कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ जगहों पर नेट की समस्या आ रही है, 5 किलो राशन जाना दिया जा रहा है, तो उसको कैसे निपटा जाएगा सर? देखिए, इसमें वितरण के की तिथियाँ हमारे पास 15 से लेकर आगे तक हैं। अगर कहीं समस्या आई है तो आगे की तिथि में वितरण हो जाएगा, वो कोई समस्या नहीं रहेगी और निश्चित रूप से सभी लाभार्थियों तक हम लोग खाद्यान्न सामग्री पहुँचा।